समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं क्योंकि यह शॉपिंग करने का बढ़िया और सुविधाजनक माध्यम है। बाजार जाए बिना अपने घर बैठे किसी भी सामान को हम मिनटों में ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। जो सामान ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध नहीं होता वह सामान हम ऑनलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। जब ऑनलाइन शॉपिंग करते समय हमें अपने पसंदीदा ब्रांड पर भारी छूट मिल जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और हो जाता है। कई बार तो हम किसी बड़े त्योहार का इंतजार करते हैं ताकि ऑनलाइन शॉपिंग में हमें भारी छूट मिल सके। जब हमें घर बैठे सामान मिल रहा है वह भी भारी छूट के साथ, तो हम ऑनलाइन शॉपिंग क्यों नहीं करना चाहेंगे। जब हमें एक साथ इतना कुछ मिल रहा है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहेंगे। मगर एक तरफ जहां ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी काफी मुश्किलें आसान कर दी हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी काफी मुश्किलें बढ़ा भी दी हैं। कई बार हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के दौरान दिया गया मोबाइल नंबर, घर का पता, बैंक अकाउंट ठगी का नया जरिया बनकर उभर रहा है। आपने किस ऑनलाइन कंपनी से क्या खरीदा इसकी सूचना तत्काल ठगी करने वालों के पास पहुंच रही है और फिर इसी जानकारी का फायदा उठाकर लॉटरी या गिफ्ट खुलने का झांसा देकर शिकार फंसाया जा रहा है। इसके बाद टैक्स संबंधी औपचारिकताओं का हवाला देकर लाखों के गिफ्ट के बदले हजारों रुपए ठगे जा रहे हैं। हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और आपको किसी ने इसी शॉपिंग का हवाला देते हुए लकी कस्टमर बनाने पर लाखों रुपए इनाम का घर पर कूपन भेजा, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। साइबर क्रिमिनल्स का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही आपने किसी खरीदी के बदले भुगतान किया, उसके चंद घंटों बाद ही ठगेरों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज करनाल में देखने को मिला है, जहां एक बैंक उपभोक्ता को लॉटरी कूपन के माध्यम से प्रलोभन देकर उनसे कई प्रकार के दस्तावेज मांगे गए, जिनका प्रयोग कर वह एक बड़ी ठगी का वारदात करना चाहते थे। दरअसल ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान घर का पता लेकर ठगों का इनाम का लालच देकर उपभोक्ता के पास एक लेटर भेजा जाता है। उस लेटर के साथ उपभोक्ता को एक कूपन भी दिया जाता है, जिसे स्क्रैच करने पर इनाम मिलने का दावा किया जाता है। इनाम भी कोई छोटा मोटा नहीं, स्क्रैच करने पर इनाम देखकर उपभोक्ता भी हैरान रह गया। इनाम 6,40,000 का। इसे सुनकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। भला आप खुद ही सोचिएगा कि क्या कोई इतना बड़ा इनाम दे सकता है। पत्र में जिस साइट का हवाला दिया गया है वह एक व्यापारी साइट है, जिसका नाम नापतोल बताया जा रहा है। आप सब लोग भी उस व्यापारी साइट से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जब उपभोक्ता को कंपनी द्वारा भेजा गया लेटर और कूपन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस लेटर और कूपन को आप भी ध्यान से देखिएगा, जिस पर बैंक डिटेल मांगी गई है और साथ भेजे गए कूपन पर 6,40,000 का इनाम भी अंकित है। आपको बताते चले कि यह कूपन कंपनी द्वारा एक लिफाफे में भेजा गया है। इस लिफाफे में कूपन के साथ एक पत्र भी है, जिसमें उपरोक्त शख्स के उसकी बैंक डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर मांगा गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि यह इनाम कंपनी द्वारा कंपनी की वर्षगांठ पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब उपभोक्ता द्वारा कूपन को स्क्रैच किया गया तो 6,40,000 रुपए का नगद इनाम उस पर अंकित था। जब उपभोक्ता ने अपना इनाम पक्का करने और बढ़ती वारदातों की सबक लेते हुए उनके लेटर में दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना चाहा, तो वह टोल फ्री नंबर कई बार मिलाया लेकिन उस पर संपर्क नहीं हो सका। फिर क्या था, उपभोक्ता को यह समझने में देरी नहीं लगी कि उसके साथ एक बड़ा फर्जीवाड़ा होने वाला है और उपभोक्ता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अपनी बैंक डिटेल को इस कंपनी के साथ शेयर नहीं किया। दरअसल शातिर ठग इस तरह का प्रलोभन देकर उपभोक्ता से उसकी बैंक डिटेल ले लेते हैं और बैंक में राशि जमा करवाने की वजह उसके खाते से सारे पैसे उड़ा लेते हैं। जैसे ही आपने किसी खरीदी के बदले भुगतान किया, उसके चंद घंटों के बाद ही कई ठगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। इसमें गिरोह का व्यक्ति खुद को उसी कंपनी का कर्मचारी बताता है जिस ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से आप खरीदी कर रही हैं। यही नहीं, वह खरीदी हुई चीज का नाम भी बताता है।
इसके बाद लकी ड्रो में नगद या महंगी कार या कई लाखों का कूपन उसके खुलने का हवाला दिया जाता है। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत मामूली सी राशि मांगी जाती है। इसके लिए बकायदा नाम और अकाउंट नंबर भेजा जाता है। एक बार पैसा जमा कर देने पर TDS आदि के नाम पर थोड़ी बड़ी राशि जमा करने को कहा जाता है। जब तक जाल में फंसे उपभोक्ता को खुद के ठगे होने का एहसास होता है, वह गिफ्ट के लालच में कई हजार रुपए गवा चुका होता है। आमतौर पर ऐसे मामले पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं, पर सबसे अहम बात यह है कि ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से ग्राहकों के नाम, पते, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर साइबर फ्रॉड करने वालों तक पहुँच रहे हैं। अब यहाँ बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुलिस और प्रशासन क्यों इस तरह के ठगी होने वाले मामलों पर अंकुश लगाने पर नाकाम साबित हो रही है। आजकल बैंक होल्डर की बैंक डिटेल मांगकर उसके बैंक खाते व ATM से पैसे निकालने के मामलों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। आलम यह है कि कुछ लोग दूसरी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। प्रतिदिन सैकड़ों लोग अपने बैंक की डिटेल देकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। शातिर ठग इस तरह के फर्जीवाड़े मामले करने के लिए एक मोटी राशि किसी भी उपभोक्ता के खाते में डलवाने का प्रलोभन दे रहे हैं। जहां ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी काफी मुश्किलें आसान कर दी, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारी काफी मुश्किलें बढ़ा भी दी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए काफी ज्यादा वेबसाइट उपलब्ध है। एक ही सामान के दाम अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस वेबसाइट पर हमें अच्छा और सुरक्षित सामान मिलेगा। ऐसे में हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कौन सी वेबसाइट से हम शॉपिंग करें। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक सुरक्षित और सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। आइए आपको बताते हैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पर जाकर उस ऑफर में इनाम है या नहीं, यह चेक करना चाहिए। सबसे पहले तो आप जिस वेबसाइट से शॉपिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट पर बहुत फेक वेबसाइट मौजूद है जो लोगों को ज्यादा डिस्काउंट देकर अपने जाल में फंसाने का काम करती है। इसलिए जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करे तो किसी पॉपुलर वेबसाइट पर करे जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो। कभी कभी हम शॉपिंग करने की जल्दी में अपने प्रोडक्ट्स की गारंटी और वारंटी देखना भूल जाते हैं। इसलिए कोई भी सामान ऑनलाइन खरीदते समय उसकी गारंटी और वारंटी जरूर देखें। ऑनलाइन शॉपिंग की हर वेबसाइट पर कस्टमर रिव्यू जरूर होते हैं, इसलिए जिस सामान को आप खरीदने वाले हो उसके कस्टमर रिव्यू जरूर देखें, क्योंकि आपसे पहले उस सामान को कई लोगों ने खरीदा है और उन लोगों ने उसके रिव्यू जरूर दिए हैं कि वह सामान कैसा है। आप जिस भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो उसकी रिप्लेसमेंट, रिटर्न और शिपमेंट पॉलिसी जरूर पढ़ें। इससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि जो सामान हम खरीद रहे हैं वह ओरिजिनल सामान है या नहीं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भारी डिस्काउंट के झांसे में कभी ना आए। कई बार हम भारी डिस्काउंट के चक्कर में नकली सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि इस तरह के आपको ज्यादा डिस्काउंट का झांसा देकर आपकी मेहनत की कमाई को उड़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कोशिश करें कि कैश ऑन डिलीवरी के जरिए आप अपने सामान की पेमेंट करें। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आप सामान खरीदने वाले हैं उसके दाम अलग अलग वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें। ऑनलाइन शॉपिंग का सामान जैसे ही आपके पास पहुंचे तुरंत उसे आप चेक करें कि जो सामान आपने मंगवाया है वह है भी या नहीं। कस्टमर केयर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। जब भी आपके पास कोई कंपनी की तरफ से कॉल आए तो पहले आप पूरी बात को सुने और उसको रिकॉर्ड करें। साथ ही इस तरह की कॉल की सूचना संबंधित थाना या साइबर सेल या IT सेल पर दें। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर उसकी सूचना दे सकते हैं कि इस तरह के ठग लोगों को लालच का फायदा उठाते हैं। लोगों को सतर्क रहना होगा और इस तरह के कॉल की तत्काल जानकारी पुलिस को दे जिससे पुलिस कार्यवाही कर सके। समाचार एक्सप्रेस की आप लोगों से अपील है कि आपके पास किसी भी कंपनी या कोई कॉल आपके फोन पर आए तो आप उसे नजरअंदाज करें, क्योंकि इस तरह के लोग आपके बैंक की डिटेल, आपके बैंक खाते से संबंधित अन्य डिटेल व आपके ATM की गुप्त जानकारी लेकर आपके बैंक से आपके पैसे निकलवाने की वारदात को बड़ी आसानी से अंजाम दे जाते हैं।
इसलिए भी समाचार एक्सप्रेस की आप सभी लोगों से अपील है कि आप इस तरह की फर्जी पत्र या कॉल डिटेल को नजरअंदाज करें। आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सी जानकारी किसी को बड़ी ठगी की वारदात का शिकार होने से बचा सकती है। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।